सप्लाई कमजोर होने तथा ग्राहकी निकलने से एक महीने के दौरान सरसों तेल की कीमतों में भारी तेजी आ गई है। भविष्य में और ज्यादा तेजी की संभावना अभी नहीं है, बाजार घट सकता है। सप्लाई कमजोर होने तथा ग्राहक की निकलने से एक महीने के दौरान स्थानीय बाजार में सरसों तेल के भाव 15,000 से बढ़कर 16,300 रुपए प्रति क्विंटल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। तीनों में इसके भाव 2,450 से 2,650 रुपए बोले गए हैं। उप अवधि के दौरान सरसों के भाव 400 रुपए बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। पिछले दिनों ही वर्षा के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई थी तथा दूसरी ओर सट्टेबाजी बढ़ने तथा स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर होने से सरसों की तेजी को बल मिला। जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी के भाव 1,000 रुपए बढ़कर 16,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। सरसों के भाव भी 40% से ज्यादा कंडीशन सरसों के भाव 400 रुपए बढ़कर 7,950 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भरतपुर मंडी में अभी बिकवाली कमजोर होने से सरसों के भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तथा तेल के भाव 16,400 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। निचले स्तर से कीमतों में भारी तेजी आ गई है, जबकि देश में सरसों की कीमतों में ऊंची होने के कारण भी बिजवाई का रकबा काफी बड़ा है तथा सरसों को उत्पादन 110 रुपए से 120 लाख टन के बीच में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन बीच में मौसम खराब हो जाने तथा सट्टेबाजी बढ़ने के कारण सरसों की कीमतों में फर्जी तेजी आ गई है, जिसके चलते बाजार पुनः बढ़ गया है। हालांकि वर्तमान हालात को देखते हुए आने वाले समय में विश्व में और ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। नया माल आने तक बाजार 500 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी मंदी के बीच घूमता रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।